एक सब्जी की रेसिपी बताने जा रहे हैं। उस रेसिपी में कुछ इस तरीके से है कि आप सबसे कम और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में, मतलब सबसे कम मसाले और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम प्याज डाल दिए, प्याज को हम अच्छे से भूंजेंगे जब तक प्याज लाल ना हो जाए। इसको इसी तरीके से भूंजते रहेंगे, कुछ देर हम भूंजेंगे। और जैसे भूंज अभी यहाँ पे हम भूंज रहे हैं प्याज को, अभी हम सब्जी को अच्छे से भूंज रहे हैं। इसमें हम टमाटर डाल दिए हैं, मिर्चा ये सब डाल दिए, टमाटर डाल दिए। और टमाटर जैसे कि हम काट के डाल ही रहे हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए कि कैसे एक सही सब्जी की रेसिपी बनते हैं, ताकि इससे आप एक अच्छे से टेस्ट वाले सब्जी की रेसिपी बना सकते हैं। अभी जैसे कि हम मसाला सब डालेंगे, उसके बाद में अभी टमाटर काट लेते हैं। टमाटर को भी हम काट के डाल रहे हैं। इसे टमाटर हम लगभग काट ही लिए हैं, और इस टमाटर को अच्छे से हम भूंजेंगे, ताकि ना ये पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स हो जाए मतलब टमाटर को पूरे गल जाने चाहिए, और प्याज जो है प्याज भी अच्छे से गल जाना चाहिए, ताकि एक अच्छा टेस्ट आए, ठीक है ना। तो अभी हम टमाटर को पूरे भी भूंजेंगे, पाँच से सात मिनट तक हम इसको भूंजते रहेंगे। और 5 से 7 मिनट भूजेंगे जब तक ये पूरे गल ना जाए, उसके बाद हम इसको आगे की रेसिपी बताते हैं। अभी इसमें हम आलू डाल दिए हैं, और आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और आलू टमाटर सब प्याज लहसुन सबको मिला के हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम इसमें चना डाल रहे हैं दोस्तों, आलू चना का ये सब्जी बनेगा। अभी हम इसमें चना डालेंगे, चना जो हम नाइट को ही भिगो दिए थे ताकि वो फूल जाए, और उसके बाद थोड़ा सीझने में आसानी होते हैं। वैसे आप सुबह चना को भी डाल के बनाएंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है उसको, लेकिन ये थोड़ा फास्ट बन जाएंगे। अगर आप वर्किंग हैं, वो काम करते हैं, तो इसके लिए आपको सही रहेगा, जल्दी सीझ बन जाएंगे। अभी चना जैसे कि हम डाल दिए हैं, और चना डालने के बाद ना इसको हम अच्छे से भूंजेंगे। इसको आलू प्याज सारे मसाले के साथ, मसाला भी नहीं डालेंगे अभी, इसको हम तेल प्याज के और टमाटर में ही इसको अच्छे से भूंजेंगे, ताकि एक ना एक टेस्ट आए। ताकि भूज सब्जी को मेन चीज़ होता है भूजने, मसाला कितना भी डाल दो अगर सब्जी भूजेंगे नहीं तो उसका टेस्ट वो आएगा नहीं। अभी यहाँ पे हम इसको भूजेंगे अच्छे से, ताकि एक अच्छा सा, मतलब जैसे होते हैं जैसे भूजा चना खाते हैं, तो भूजा चना खाने से जो टेस्ट आते हैं वैसे ऑलमोस्ट ये भीगा चना है, तो सूखा भूजा होता है, ये भीगा भूजा होगा। भीगा भूजा हुआ खाने से अलग ही टेस्ट आते हैं, जो आप चना की एक टेस्टी सब्जी बन जाएंगे। तो हम इसको अब अच्छे से भूजेंगे, तो चलिए इसको हम अभी भूजते हैं। इसको हम अच्छे से भूंज लिए हैं, अभी थोड़ा और अच्छे से इसको हम मिलाएंगे और इसको ढक देंगे, पदर के लिए ढक के रखेंगे, फिर इसको हम भर दिए हैं, निकाल दिए ऊपर ढक्कन हटा के, फिर थोड़ा इसको भूजेंगे। जला हुआ ना पकड़े, और अच्छे से भूंजते हुए